मुजफ्फरनगर द्वारा पुलिस बल का प्रयोग करके हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया गया। भू माफियाओं को दिया गया सुगात में रास्ता। एसडीएम सदर मुजफ्फरनगर द्वारा पुलिस बल का प्रयोग करके माननीय हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां एक और भू माफियाओं के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई का अमली जामा पहना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मुजफ्फरनगर जिले के सदर एसडीएम दीपक कुमार द्वारा न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश का उल्लंघन करते हुए भू माफियाओं का साथ देकर उनको रास्ते का कब्जा कराया गया, जबकि न्यायालय द्वारा अवैध कब्जेदारों के निवास को भी अपने आदेश में गांव समाज की भूमि माना गया है। इस आदेश के विरुद्ध उपरोक्त भू माफिया एवं अवैध कब्जेदार माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अपील हेतु गए। बता दें, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा भी अवैध कब्जेदारों को कोई रिलीफ नहीं दिया गया तथा उनकी अपील को निरस्त कर दिया गया, परंतु आज एसडीएम सदर मुजफ्फरनगर दीपक कुमार द्वारा भू माफियाओं का सहयोग करते हुए उनको रास्ता सौगात में दे दिया गया है। योगी सरकार में पुलिस एवं प्रशासन का यह रवैया बहुसंख्यक हिंदू समाज को आहत करने वाला है तथा माननीय न्यायालय एवं योगी जी की यह नीति की अवैध कब्जेदारों पर अधिकारी कठोर से कठोर कदम उठाते हुए कानून का अनुपालन सुनिश्चित कराए। पर भी श्री मान एसडीएम दीपक कुमार द्वारा भू माफियाओं का सहयोग करके माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की नीति पर कुठाराघात किया गया है। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे M4U News चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं और हमारे M4U News चैनल पर समाचार एवं विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8445657566 पर।